रोडियो। ये है मेरा एक नया बाइक, ये मैंने खरीदा लास्ट वीक। ये फ्रंट गियर है और ये है बैक गियर, टोटल 7 गियर्स है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाई, ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं हूँ असम में, मेरा होम, और ये आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया सा टी गार्डन है ये। तो ये जो बाइक है मेरा, ये बाइक मैंने खरीदा यूट्यूब के पैसे से और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये बाइक खरीद सका। तो ये 2019 मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक साल रहा ट्रैवलिंग के हवाले से, और इस साल मैं काफ़ी सारे देश गया और इनमें कोई कोई नया कंट्रीज़ भी है और कुछ कुछ कंट्री मैं पहले विज़िट कर चुका था। तो 2019 में मैंने स्टार्ट किया था मेरा ट्रैवल मालदीव्स से। मालदीव्स के बाद मैं गया कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर और लाओ। उसके बाद मैं गया श्रीलंका और कतार, और कतार के बाद मैं चला गया सर्बिया एक मंथ के लिए, और सर्बिया के बाद मैं फिर से गया वियतनाम और थाईलैंड और सिंगापुर। उसके बाद मैं गया यूरोप, और यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जर्मनी, इस्तोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, हंगेरी, और बस। ये देखिए एक बहुत ही बड़ा एक टी गार्डन है, और इस टी गार्डन का नाम है राजा अली टी स्टेट, और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको टी गार्डन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे अगर आप असम आएंगे, और असम की जो अपर असम में डिब्रूगढ़, जोरहाट, तिनसुकिया वगैरह में। और ये जो टी होता है यहाँ पे, असम टी वर्ल्ड फेमस है। टी एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री है असम में, और असम में बहुत ज़्यादा टी प्रोडक्शन होता है। असम में काफ़ी सारे लोग इस टी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और ये काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं यहाँ की जो यूथ है, यूथ के लिए। इस साल में कोई कोई नया कंट्री जैसे कि लाओ जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, और यूरोप में सर्बिया और पोलैंड,
इस्तोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, ये जितने भी कंट्री है ये मेरा पहला ट्रिप था। और बाकी कुछ कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगेरी और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज़ में मैं पहले सफ़र कर चुका हूँ। और बाकी कंट्रीज़ में मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवलर था और बहुत ही अच्छा लगा। सर्बिया एक बहुत ही अच्छा कंट्री है और बाल्टिक कंट्रीज़ जो इस्तोनिया, लत्विया और लिथुएनिया, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप जाएंगे बाल्टिक कंट्रीज़ में। और पोलैंड में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए रहा और मेरा प्लान है कि फिर से मैं जाऊं पोलैंड, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक कंट्री है। और मैं सिर्फ वारसाव जो कि कैपिटल सिटी है, सिर्फ कैपिटल सिटी में बस 2 दिन के लिए रहा और उसके बाद मैं गया क्राकाओ। ग्रीटिंग्स फ्रॉम वारसाव इन पोलैंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्राकाओ एंड वेटिंग फॉर माय ट्रेन एंड यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर हियर वेटिंग फॉर द ट्रेन। This is the central train station here in Warsaw. Thank you. Hello. Looks fantastic. और 2019 में मैंने देखा, ये मेरा जो चैनल है ट्रिप ग्लोबली, ये इसमें काफ़ी सारे आप लोग सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो, ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वीज़ा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ, और यही मेरा कोशिश रहेगा इस साल। और मेरा जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में जो पेजेस होता है वो पेजेस मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी मुझे देना होगा फिर से एक नया पासपोर्ट के लिए। और मेरे पासपोर्ट में टोटल 36 पेजेस था और अभी मुझे और एक नया पासपोर्ट बनवाना होगा। और मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने जो प्यार और जो सपोर्ट दिया, आप लोग जो कमेंट करते हैं और मुझे ईमेल करते हैं और फेसबुक में जो हमारा पेज है tripglobally.com वहाँ पे भी आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की ये जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल वीडियोस बनाऊँ और डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ। और उसके लिए आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे भी आप सपोर्ट करते रहिएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।